जय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में हो रहे निर्माण को किया गया ध्वस्त। मथुरा वृंदावन समेत राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे इन दिनों विकास प्राधिकरण की अनदेखी के चलते अवैध कॉलोनियों की भरमार है। ज्यादातर कॉलोनाइजर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। शनिवार को जीएलए यूनिवर्सिटी के पीछे करीब 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही ऐसी ही एक कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। डीएम निकेत वर्मा, विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता राजेश माहेश्वरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्राधिकरण के सहायक अभियंता राजेश माहेश्वरी ने बताया कि भरत शर्मा और फतेह सिंह द्वारा नक्शा स्वीकृत कराए बिना ही फेसबुक के माध्यम से पब्लिक को गुमराह कर प्लॉटों की बिक्री की जा रही थी। सक्षम अधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। ये अवैध कॉलोनी थी लगभग 5000 वर्ग मीटर में, और श्री भरत शर्मा फतेह सिंह NS2 GLA के पास थी। ये अवैध कॉलोनी थी, अवैध रूप से निर्माण करा रखा था। इनको सेवरल नोटिसेस देने के बाद भी नहीं हट रहा था, तो आज MBDA की पूरी टीम के साथ हमने ये अवैध अतिक्रमण हटाया है। ये मामला ये है कि लगभग 5000 वर्ग मीटर में ये भरत शर्मा और फतेह सिंह द्वारा ये अवैध कॉलोनी बगैर नक्शा स्वीकृत कराए इनके द्वारा काटी जा रही है, और फेसबुक के माध्यम से पब्लिक को गुमराह करते हुए इन प्लॉटों की बिक्री की जा रही है। इनको जो है समय समय पर सारा नोटिस दिया गया, सक्षम अधिकारी द्वारा जो है ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए। उन आदेशों के क्रम में आज इस कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है, और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा ये तय कर लिया गया है कि इस प्रकार के जो अवैध कॉलोनी काटने वाले जितने भी बिल्डर्स हैं उनके ऊपर निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कि एक एक कॉलोनी हम लोग ध्वस्त ना कर देंगे। किस जगह पर ये अभियान चलाया गया? ये सर ये GLA के पीछे जैंत है, वहाँ पर ये अभियान चलाया गया है। आज ही GLA के पीछे मथुरा दिल्ली मार्ग।